गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की, भाई बाले वाली साखी बिसर देश की। एक समय भ्रमण करते करते गुरु नानक देव जी महाराज बिसर देश में जा पहुँचे। वहाँ नगर निवासी अपने नगर में किसी को आने नहीं देते थे। तब गुरु जी ने नगर के बाहर ही अपना आसन लगा लिया। धन गुरु नानक। एक धर्मात्मा जिसका नाम झंडा था, उसने तीन अतिथि आए देखे। तब उसने अपनी धर्म पत्नी को कहा कि यदि कुछ घर में हो तो अतिथि सेवा के लिए मुझे दो। तब स्त्री ने कहा, घर में जो कुछ है वह आप ले जाओ। धन गुरु नानक। झंडे ने घर में देखा तो कुछ भी नहीं मिला, परंतु झंडे की आदत थी कि वह अतिथि सत्कार के लिए सदैव उद्गत रहता था। यदि घर में कुछ ना हो तो गांव से मांग कर भी साधु अभ्यागत की सेवा करनी उसका कर्तव्य था। धन गुरु नानक। अब झंडा नगर में मांगने गया तो लोगों ने उसी दबी जाता तथा कहने लगे कि यह कारीगर सतों का नाम लेकर अपनी उधर पूर्ति करता है, अब हम कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। धन गुरु नानक। उस समय उस नगर के राजा की ओर से पहलवानों की कुश्ती होने थी। वहाँ राजा का पहलवान जो बहुत बली था तथा किसी से भी नहीं हारा था, उसके साथ यदि कोई भिड़ जाए तो उसे पारितोषिक दिया जाना था। शर्त यह थी कि जो उस पहलवान को गिरा दे उसे 100 रुपए मिलेंगे और गिरने वाले को 50 रुपए राज्य कोष की ओर से दिए जाने थे। धन गुरु नानक। झंडे ने उस समय को गनीमत जाना तथा मन में विचार की, मैं यदि गिर गया तो जो 50 रुपए मिलेंगे उससे तीनों अभ्युगतों को भोजन अधिक दे सकूंगा। बस यह विचार कर राजा के पहलवान से उसने दस्त मिलाया और कुश्ती के लिए तैयार हो गया। धन गुरु नानक। पहलवान ने कहा, हे भाई, तुम तो मुझे पहलवान नज़र नहीं आते, फिर लड़े कैसे सकोगे? झंडे ने असली बात उससे बता दी कि मैं संतों की सेवा करना चाहता हूँ तथा जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा उससे साधुओं की सेवा करूँगा। उसने जब यह सुना तो यह जाना कि यह तो परमेश्वर का कोई भक्त है। यह सुनकर पहलवान का मन द्रवित हो गया। अब उस पहलवान ने लंगोट कस कर कहा, हे भाई झंडा, आओ मेरे साथ कुश्ती करो। तब झंडा भी तैयार हो गया। धन गुरु नानक। जब दोनों घुलने लगे तब पहलवान उस झंडे से गिर गया। तब राजा ने इनाम झंडे को दिया। धन गुरु नानक। तमाम नगर में यह चर्चा होने लगी कि झंडे ने नामी पहलवान को पटक दिया। तब झंडे ने उस रुपए से गुरु महाराज जी की सेवा दिल खोल कर की। तब गुरु जी ने अंतर्यामी होते हैं तब गुरु जी ने अंतर्यामी होते हुए सभी कार्य भली प्रकार जानकर पहलवान को भवसागर से पार कर दिया। धन गुरु नानक। तब झंडे को सतगुरु नाम की सुखारी चढ़ गई। फिर वह उदासनों की भक्ति इधर उधर फिरने लगा। फिर गुरुजी ने झंडे के सभी पाप दूर करके उसे मुक्ति फल दिया। पहलवान का नाम मस्कीन था। तब गुरुजी ने अपने मुख से श्लोक उच्चरित किया। धन गुरु नानक। श्लोक। सुखी बसे मस्कीनिया,
आप निवारी तले बड़े बड़े अंकारिया नानक गरबी गले। फिर झंडे ने गुरुजी के चरणों कमलों पर नमस्कार किया, धन गुरु नानक। इसी प्रकार साकी बिसरिया देश की समाप्त हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु संगत जी, इतना ही आपको कहना है कि जितना हो सके अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो। अमृत वेले का टाइम रात को 12 से सुबह 6 बजे तक का है। शुरुआत 5 मिनट से करो, बढ़ाते धीरे धीरे 1 घंटा 2.5 घंटे का नेम बना दो। गुरु मेहर करें, जिस तरीके से गुरु नानक जी ने इस साकी में पहलवान को भव सागर से पार करवाया, गुरु मेहर करें, गुरु हमें भी इस भव सागर से पार करवाए। संगत जी, जितना हो सके गुरु नानक जी की साखी लीलाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ, ताकि अभी के लोग सारे कलयुग के वास में आकर बिखर गए हैं। क्या सच क्या झूठ उनको पता नहीं है, गुरु के रास्ते से बिछड़ गए। मैं चाहता हूँ ये साखी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये साखी सुने, अमृत वेला संभाले, अमृत वेले का महत्व जाने और गुरु से जुड़े। आपने अगर एक जन को भी जोड़ दिया, बस गुरु आपको भव सागर से पार करवा देगा। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वय अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वय अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वय अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।